गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। जो अपन ने ट्रेसेस पढ़े थे, सपोर्ट रिएक्शन पढ़ी थी, तो अपने को क्वेश्चंस में कैसी प्रॉब्लम मिलेगी, अपने को क्वेश्चंस में कैसी प्रॉब्लम मिलेगी और क्या क्या लोडिंग कंडीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपने को सपोर्ट की रिएक्शन निकालनी है। और ट्रेसेस के अंदर अपने को एक सिस्टम दे दिया जाएगा, ट्रेसेस के अंदर मतलब बहुत सारे मेंबर का एक सिस्टम दे दिया जाएगा और उसमें बताइए कि इसका फोर्स एनालिसिस करना है। और उसके साथ साथ अपन उसके दो मेथड हैं, जो मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन, उन दोनों से उसको हल करेंगे। ठीक है, तो अपन अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए बी। अब देखिए सपोर्ट यहाँ पे ए है, बी है और इसमें साथ में सी का भी पूछा है। सी पे भी रिएक्शन अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बीम है, फिक्स बीम है, जिसपे ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर जो लोडिंग है ये कैसी है, सपोर्ट की रिएक्शन कितनी आती है, तीन रिएक्शन, आर हॉरिजॉन्टल आर वर्टिकल, और एक आता है मूवमेंट। ठीक है, और रोलर सपोर्ट है, जो रोलर सपोर्ट है उसकी रिएक्शन कितनी होती है, उसकी एक ही रिएक्शन होती है, आर वर्टिकल। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन, रिएक्शन एट सपोर्ट ए बी सी। तो रिएक्शन ये फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन ये फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन ये फाइंड आउट करनी है। उसके साथ साथ ये अनोन पैरामीटर है, ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ड्रॉ थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का अपन थ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सेगमेंट फर्स्ट ले लिया ये वाला सी बी में ड्रॉ करूँ, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सी पूछा है, ये वाला आर बी, और यहाँ पे ये सी पूछा है आर सी। ठीक है, और ये लोडिंग है जो 4 kN का है। अब देखिए ये वेरिंग लोड है, वेरिंग लोड को अपन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, वेरिंग लोड को अपन पॉइंट लोड से कन्वर्ट करेंगे। तो ये टोटल कितना है, 3 MPa। अब वेरिंग लोड को पॉइंट लोड से कन्वर्ट करने के लिए तो इसका जो सीजी है, सीजी निकालेंगे, और जो सीजी है वो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रहता है, वो उसका वहां उसका पॉइंट लोड लाइज करेगा। तो इसका पॉइंट लोड होगा
यूवी जेल या इसका सीजी ले लो, ठीक है। तो वो अपना लाइक करेगा 1/2 इंटू बेस इंटू आई, 1/2 इंटू बेस इंटू आई। तो क्या हुआ, 1/2 इंटू बेस क्या है 3 मीटर और हाइट क्या है 4 मीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 कट गया इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट रोड मिला हमें वो कहाँ मिला, डाउनवर्ड कितना है 6 किलोमीटर। अब ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, तो इस डिस्टेंस से L/3 पे, L/3 और इस डिस्टेंस से 2L/3। तो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी L/3 पे, टोटल एरिया कितना है 3 3/3 = 1 मीटर। तो कहने का मतलब ये यहाँ से कितना है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ से कितना है 2 मीटर की डिस्टेंस। जब ये टोटल 3 है, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन लगाएंगे। अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या थी, इसके लिए समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस डायरेक्शन में तो यहां पर फोर्स है नहीं, तो इसलिए अपन क्या कंसीडर करते हैं, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेगी। अपन बात करते हैं इसकी, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए अपने को मोमेंट सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा, मोमेंट सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आरएस करना है पॉइंट ए का, ए का और बी का, ठीक है। पॉइंट ए पे ओरिजिन की डायरेक्शन, मतलब इस पे ये तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो अपने को वर्टिकल एक ये फाइंड आउट करनी है, एक ये करनी है और एक सी पे फाइंड आउट करनी है। वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अपने को फाइंड आउट करनी है, सपोर्ट पे रिएक्शन सी पे फाइंड आउट करनी है, पॉइंट सी पे और वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो अपने को फाइंड आउट बी करना है, तो बी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। तो अपना जो सेंटर हो जाएगा वो क्या कुछ हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब देखिए आर सी जो है वो सी से गुजर रहा है तो 0 हो जाएगा, आर सी जो सी से गुजर रहा है वो 0 हो जाएगा। और जो ये है, अब इसमें जो साइन कन्वेंशनल लेंगे, इसमें जो साइन कन्वेंशनल लेंगे पॉजिटिव लेंगे कब, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नेगेटिव कब, क्लॉकवाइज। तो ये अपन साइन कन्वेंशन मान के चलते हैं, अगर जो कपल का जो नेचर है वो पॉजिटिव एंटी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एमसी इज इक्वल टू 0, एमसी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 6 है, अब देखिए फोर्स, अब इसका मूवमेंट निकालेंगे, इस फोर्स का फोर्स कौन सा डाउनवर्ड, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो 6 × 2 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो इसका नेचर कैसा है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज अपन क्या मान रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फोर कौन सा आरबी है, जो वहां लग रहा है ऊपर लग रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 है, और ये कैसा नेचर है इसका, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव आर बी इंटू 3, ये हो गया माइनस 12, ये बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3 टोटल 3 बराबर 4 किलो न्यूटन। तो आरबी की वैल्यू अपने पास ये आई 4 किलो न्यूटन आई आरबी की वैल्यू, ठीक है। अब अपन देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू
समेशन ऑफ, अब अपन देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, वाई डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, तो यहाँ देखिए एक तो एफ सी है एक आर बी है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो अपवर्ड क्या होता है पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, जीरो बराबर आर सी प्लस आर बी माइनस सिक्स, ठीक है माइनस सिक्स, तो आर सी बराबर सिक्स माइनस आर बी, आर बी की वैल्यू अपन ने क्या काउंट करी, आर बी की वैल्यू क्या काउंट करी अपन ने फोर, ये कितना हो जाएगा सिक्स माइनस फोर बराबर टू किलो न्यूटन, तो आर सी की वैल्यू अपने को कितनी मिली टू किलो न्यूटन। सिमिलरली सेगमेंट अपन टू की बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं सेगमेंट टू की, ये सेगमेंट वन हुआ, सेगमेंट टू की बात करते हैं, सेगमेंट टू सेगमेंट सेकेंड है ए टू सी, ए टू सी मैंने बनाया, ये बनाया, ये है आर, ठीक है। अब देखिए जब ये आर भी जो रिएक्शन वर्टिकल है ये काम लग रही है ऊपर की तरफ लगी, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो आर सी का रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आर सी इधर जाएगा, ठीक है आर सी इधर जाएगा। तो अब अपन क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन लग रही है फर्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन जीरो इज इक्वल टू अब वर्टिकल तो जा रहा है और डाउनवर्ड तो जा रहा है और नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, तो आर ए बराबर आर बी, आर बी की वैल्यू क्या है सॉरी आर सी है, ये आर सी है, आर सी है, तो आर ए बराबर आर सी कितना हो जाएगा टू किलो न्यूटन, टू किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो आर सी की वैल्यू दी थी वो क्या दी, जो आर बी की वैल्यू निकाली है अपने और जो आर सी की वैल्यू अपनी टू आई थी, तो ये आर सी की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने, तो ये आर ए की वैल्यू भी क्या आई टू आई, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा आर ए है वो भी टू किलो न्यूटन आया, आर बी है वो फोर किलो न्यूटन आया और आर सी है वो कितना आया टू किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके बाद अपन क्या देखते हैं अपने को निकालना, अब ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे मोमेंट लेंगे और ये टोटल लेंथ से तीन है, ये मोमेंट किसके अबाउट है ए के अबाउट है, तो अपन ने क्या किया एम ए इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो मोमेंट लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा मोमेंट कितने होंगे, देखो एक ये मोमेंट है आठ किलो न्यूटन पर मीटर का, ये अपने को फाइंड आउट करना है और ये आर सी का, तो आर सी इंटू थ्री डाउनवर्ड क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड भी है क्लॉकवाइज भी है, माइनस हो जाएगा एम ए बराबर माइनस
आर सी इंटू थ्री माइनस आर सी इंटू थ्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एट ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू माइनस टू इंटू थ्री प्लस एट, तो अपने पास मिलेंगे माइनस सिक्स प्लस एट पॉजिटिव टू। अब जब ये जो अपन ने इसकी जो डायरेक्शन मानी है, ये क्या मानी है ऑपोजिट मानी है, ये अपन ने क्या मानी है एंटी क्लॉकवाइज मानी है, और यहाँ पे अपना जो एम ए की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ अपने साइन कन्वेंशन क्या माना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। दैट मीन्स जो अपन ने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो मूवमेंट लग रहा है, जो मूवमेंट लग रहा है ठीक है, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा, जो अपन ने माना है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने को जो पूछा गया है वो वर्टिकल एक्शन के बारे में पूछा गया है, तो ए बी और सी ठीक है, सपोर्ट ए बी सी पे जो वर्टिकल एक्शन लगती है उसके बारे में, तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है। अब अपन देखते हैं ट्रस्ट के न्यूमेरिकल, कि ट्रस्ट के बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल रहते हैं। अब ये कह रहा है ट्रस्ट के न्यूमेरिकल है, फाइंड फोर्स इन मेंबर बी सी बी डी, मेंबर बी डी, मेंबर सी डी और मेंबर सी ई, इन तीनों मेंबर में फोर्स कैलकुलेट बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन एंड रिमेनिंग मेंबर बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। इन तीनों का एक दो तीन का जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है मेथड ऑफ सेक्शन से, और बाकी जो फोर्सेस एनालिसिस करना है वो करना है मेथड ऑफ जॉइंट से। तो अपन स्टार्ट ये तो सीखने के लिए कर रहे हैं अपन, तो ठीक है इसकी जो कंडीशन है उसको भी फॉलो करेंगे अपन। देखिए इसने एक सिस्टम दिया है, ये ए है बी है सी है डी है ई है और एफ है ठीक है, ये इस पर पॉइंट आउट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 400 न्यूटन का, यहाँ 200 न्यूटन का, यहाँ 1200 न्यूटन का, यहाँ 600 न्यूटन का, और ये हिंज जॉइंट है और ये रोलर जॉइंट है ठीक है। तो अपना जो उसका जो प्रोसीजर था तो वो क्या था कि जो भी क्वेश्चन, और ये जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से ये 20 मीटर है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है जो वो है 15 मीटर, ये 15 मीटर है 10 मीटर। तो अपना जो प्रोसीजर होता है क्या करते हैं, जो भी अपने को क्वेश्चन में डायग्राम दिया जाता है उसका अपन क्या करते हैं, उसका अपन एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। तो एफ बी डी में अपन क्या करते हैं फोर्स जो है उनका और जो रिएक्शंस हैं उनका, जो फोर्स और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मैं अगर एफ बी डी बनाऊँ, तो कैसे बनेगा, इसका मैं एफबीडी बनाऊं, ये कौन सा हिंज जॉइंट है, तो यहाँ पे एक आर एच लग जाएगा और इधर आर बी, यहाँ भी एक है तो, पर ये एफ जॉइंट है तो यहाँ पे आर एच लग जाएगा, आर एच है आर बी है ठीक है, यहाँ रख लग गया। ये वाला कितना है 400 है, ये वाला कितना है 200 है, यहाँ पे कितना है 412 है, और यहाँ पे 600। ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई और ये एफ ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या मानते हैं ठीक है, अब अपन क्या मानते हैं कि ये जो है ये थीटा वन है, थीटा टू है और थीटा थ्री है, और ये कितना है थीटा 4 है ठीक है। तो अपन ने क्या माना, ये जो इंक्लिनेशन है इसका थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा 4 है ठीक है। यदि आप चाहो तो अभी इंक्लिनेशन को भूल जाओ, जो ये दिया हुआ है ये बोल सकते हैं ठीक है। अभी अपन ने क्या रखा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी ड्रॉ कर दी
और इसके जो एक्टिव फोर्सेज हैं वो भी डाल दिए। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कि स्टैटिकली डिटरमिनेंट है या नहीं है, यह अपन इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि यह स्टैटिक फ्रेम है या नहीं है। क्या फॉर्मूला था उसका आपके लिए, क्या फॉर्मूला था, 2J(m+r)4 स्टैटिकली डिटरमिनेसी फॉर डिटरमिनेसी फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेसी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, 2J(m+r)n+r then m = 2J - r n क्या है, मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, j क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स, r क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन, r क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेंबर कितने हैं, 9। जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, कितने हैं 6। और रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन एक रोटर जॉइंट वाली एक और दो हिंज जॉइंट की, तो 1, 2, 3 रिएक्शन कितनी है, 3 है, रिएक्शन कितनी है, 3 है। तो m = 9 = 2 × J(6 - 3 then 9 = 12 - 3 9 9 = 9 कहने का मतलब जो LHS है वही RHS के बराबर आ रही है। ये कंडीशन आपको हर क्वेश्चन करने से पहले चेक करनी पड़ेगी कि यह स्टैटिकली है या नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, 2J(m+r)n = 2J - r यहाँ पे अपन काउंट कर लेंगे मेंबर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। और जॉइंट्स, इनके जॉइंट्स हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जॉइंट्स हैं, और रिएक्शन जो लगी वो एक रिएक्शन यहाँ पे और दो रिएक्शन यहाँ पे, इनकी ये तो 3 टोटल रिएक्शन है। तो अपना ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट है, कहने का मतलब अब इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, अब इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट, अब क्या करते हैं अपन, सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये अपन ने चेक कर लिया कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट है, अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं देखता हूं सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन के लिए अपने पास इक्विलिब्रियम की अपनी जो जितनी अपनी रिएक्शन है उतनी ही अपने पास इक्वेशन भी होगी। तो कहने का मतलब अपने पास रिएक्शन कितनी है, अननोन फोर्सेस कितने हैं, 1, 2, 3 अननोन रिएक्शन कितनी है, 1, 2, 3 सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, तो 3 है, 3 रिएक्शन, तो 3 रिएक्शन तो अपने पास m = 0 समेशन fx = 0 और समेशन fy = 0 ये 3 कंडीशन है अपने पास, ये 3 कंडीशन है अपने पास। ठीक है, जब अपने पास 3 अननोन रिएक्शन है, 1, 2, 3 1, 2, 3 तो अपने पास यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस इक्वेशन जो है वो भी कितनी है, 1, 2, 3 है। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने अपने को क्या करना है, रिएक्शन जो सपोर्ट रिएक्शन है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिसाइड मूवमेंट सेंटर, मूवमेंट सेंटर डिसाइड, मूवमेंट सेंटर डिसाइड करते हैं। अब इसमें देखिए सपोर्ट रिएक्शन निकालने में ऐसा कौन सा मूवमेंट सेंटर, कौन सा मूवमेंट सेंटर हो सकता है, इतने सारे जॉइंट्स हैं, कौन से जॉइंट्स को अपन मूवमेंट सेंटर माने, तो अपने को वो वाला जॉइंट सेंटर लेना है, वो वाला जॉइंट लेना है जिसपे अननोन रिएक्शंस जाता हो। अब इसमें ए बी
अननोन रिएक्शंस किस में ज्यादा है, अननोन रिएक्शन कहां लग रही है, एक तो ए पे लग रही है, एफ पे लग रही है, बाकी वाले फ्री हो गए। अब ए पे रिएक्शन कितनी है, दो लग रही है, आरएच ए आरएच बी, हॉरिजॉन्टल लग रही है और वर्टिकल लग रही है। और कहां लग रही है, एफ पे लग रही है, एफ पे लग रही कौन सी, आरएच पे लग रही है, वर्टिकल अपवर्ड लग रही है, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या करना है, ऐसा मूवमेंट डिसाइड करना है जिस जॉइंट से अननोन रिएक्शन ज्यादा पास हो, ठीक है, मैक्सिमम अननोन रिएक्शन पासेस थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट है, अपना ए पॉइंट है, तो लेट्स मूवमेंट सेंटर डिसाइड अपन ने किया, लेट मूवमेंट सेंटर मूवमेंट अबाउट ए जॉइंट, ए जॉइंट मूवमेंट अबाउट ए जॉइंट, ठीक है। तो एम ए MA is equal to, ठीक है, summation of MA is equal to। अब देखिए MA यहाँ है, MA से पास होने वाले सारे मूवमेंट जीरो होंगे, MA से पास होने वाले सारे मूवमेंट जीरो होंगे। अब देखिए MA से कोई पास हो रहा है, ये वाला कहाँ पास हो रहा है, C से पास हो रहा है, ये यहाँ 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 से पास हो रहा है, तो यहाँ से इससे पास होने वाले। अब देखिए मूवमेंट लेंगे, अब मूवमेंट लेने के लिए क्या होगा, जो फोर्स है उसका मूवमेंट के लिए फोर्स है उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखने के बाद उसका नेचर देखेंगे, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, एंटी क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये मेरा कंसिडरेशन है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ये मैं मान के चल रहा हूँ, कि जो मैं एंटी क्लॉक है उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, जो क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एमए के ये फोर्स लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 400 × 15 × 4 × 5, ठीक है। उसके बाद इसका नेचर देखिए, इसका नेचर कैसा है, डाउनवर्ड लग रहा है, कैसा है नेचर, क्लॉकवाइज है, यहाँ लग रहा है, यहाँ कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लॉकवाइज नेगेटिव, सिमिलरली नेगेटिव, सिमिलरली कितना है, 200 × डिस्टेंस कितनी है, 15 ये टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये और ये कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। फिर बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, आरएफ की डिस्टेंस कितनी है यहां से, इस सेंटर से 15 10 30 + 10 = 14, तो 40 किसकी हो जाएगी, आरएफ की। आरएफ की नेचर कैसा है, आरएफ का नेचर कैसा है, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अपन ने क्या माना है, पॉजिटिव आरएफ इनटू 30 + 10 = 14, ठीक है। और अपन ने क्या माना है, ये फोर्सेस भी लग रहे हैं, ये डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इस ये पोजीशन यहां पे आएगी, जब ये फोर्स यहाँ पे आएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 15, ये डिस्टेंस यहाँ पे आएगा तो इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और सारे क्या लग रहे हैं, डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इसका नेचर कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, -1200 × 15 − 600 × 30, क्या हुआ 30, और ये समीकरण इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -400 × 15 − 200 × 30 + RF × 14 − 1200 × 15 − 600 × 30,
ठीक है। तो इसमें देखिए एक अननोन वेरिएबल क्या है, अननोन वेरिएबल rf है, अननोन वेरिएबल rf है, तो rf इज इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जो rf की मेरे पास वैल्यू आएगी, जो rf की मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1200। तो वैल्यू क्या आ रही मेरे पास, पॉजिटिव आ रही, वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब ये जो मैंने आरएफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मानी थी, अपवर्ड इसमें पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, फोर्स की बात करेंगे तब भी, तो ये जो मेरी वैल्यू आई ये क्या है 1200, ठीक है 1200, और इसकी डायरेक्शन में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अब सेकेंड है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनके बारे में देखते हैं, y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको देखिए, डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनको करना है नेगेटिव, अपवर्ड फोर्सेज हैं उनको करना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो फोर्सेज हैं उनको करना है नेगेटिव, यहां भी देख सकते हैं ये भी rf है 1200, ठीक है। अब इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं उनको तो करना है नेगेटिव, जो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं उनको करना है पॉजिटिव, यहां मैं लिख देता हूं अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे देखिए कौन कौन से अपवर्ड फोर्सेस हैं, एक तो आर बी ए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो बराबर आर बी ए, और कौन सा है, ये क्या लग रहा है नेगेटिव लग रहा है, ये नीचे लग रहा है माइनस चार सौ, ये नीचे है, ये भी नीचे है माइनस दो सौ, ये भी नीचे है माइनस दो सौ माइनस बारह सौ, ये भी नीचे है माइनस छह सौ और चार सौ रुपये दो सौ रुपये, और ये आरएफ का लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कितना है आरएफ की वैल्यू 1200। तो यहाँ देखिए ये हो गया जीरो बराबर, इस टर्म में देखिए एक ही अननोन वेरिएबल है अपने पास, एक ही अननोन वेरिएबल है, कौन सा है आर बी ए, तो आर बी ए मेरे पास आ जाएगा, आर बी ए इज इक्वल टू, जब आर बी ए मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास आर बी ए की वैल्यू आएगी, आर बी ए की वैल्यू आएगी 1200, क्या आएगी 100 1200, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, मेरे इस एज्यूम के हिसाब से इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, यही चीज अपन यहाँ देखते हैं, मेरा ये जो मैग्नीट्यूड आया वो पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब क्या है, जो मेरी आरबीए की जो नेचर है वो अपवर्ड होना चाहिए, यहाँ पर क्या एज्यूम किया अपवर्ड है, आरबीए कहाँ लग रही है अपवर्ड लग रही है, तो कहने का मतलब अपनी ये जो वैल्यू आई है इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आया है, दैट मींस ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा, जो अपन ने एज्यूम किया था वो यहाँ पे सही एज्यूम किया था, यहाँ पर जो एज्यूम किया था सही एज्यूम किया था। अब अपन बात करते हैं इसकी थर्ड, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस फोर्स के, इस डायग्राम के इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, कौन से ए की फोर्स लग रहा है आर एच ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है सिर्फ एक, तो ये किसके बराबर है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू RHA, जब ये RHA 0 पे इक्वल टू है तो कहने का मतलब क्या हुआ, RHA की वैल्यू क्या आ गई 0, RHA की वैल्यू क्या आ गई 0 आई, ठीक है, तो RHA की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0 आई, तो मैंने तीन रिएक्शन, तीन सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, सबसे पहले कौन सी फाइंड आउट करी RF, तो मैं ये यहां नोट कर रहा हूं, ये मैं ये हटा रहा हूं इसको, मैं साइन में कर दूं, तो मैंने RF बराबर 1200 आया मेरे, आर बी ए बराबर 1200 आया, और आर एच ए ये मेरे 0 है, तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये मैंने तीन रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या करना, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, अब अपन देखिए क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो इंक्लाइनेशन बने हैं, जो इंक्लाइनेशन मेंबर भी तो है इसमें, इसमें इंक्लाइनेशन मेंबर भी तो है, अब उनका इंक्लाइनेशन कितना है, मतलब कुछ मेंबर हैं जो इंक्लाइंड हैं, उनका इंक्लाइनेशन कितना है, उनका थीटा कितना है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ,
ये वाला डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये वाला जो डायग्राम है ये का ये डायग्राम यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है ये यहाँ से 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है। ये 15 है, ठीक है। अब अपन इसका इंक्लिनेशन देखते हैं। मैंने माना कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा 4 है। इनका मेमोरी यही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड मेंबर, इनका इंक्लिनेशन क्या रहेगा, मतलब ये किस कितने एंगल पे ये झुके हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन में लेट्स कंसीडर, फर्स्ट है थीटा 1, थीटा 1। अब थीटा 1 के लिए जो राइट एंगल बन रहा है, थीटा 1 के लिए राइट एंगल कौन सा होगा, ए बी सी, ए बी सी, यहां पर कह सकते हैं राइट एंगल ए बी सी, ए बी सी थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय AC, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये डिस्टेंस कितनी है 15, और ये कितनी है 15, तो 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू A, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू 45, तो थीटा क्या आ जाएगा 45, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं थीटा 45 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2, थीटा 2 के लिए कौन सा राइट एंगल, सी डी ई, सी डी राइट एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, थीटा tan इनवर्स क्या आ जाएगा, डी अपॉन सी डी ई अपॉन सी डी अपॉन सी। अब डी कितना है 20 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 20 दे रखी है अपने को, 20 डिवाइड बाय डी कितना है 15 है, तो जो tan इनवर्स कितना आया, tan थीटा कितना आया, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 बराबर, थीटा 2 की वैल्यू आएगी आपके, थीटा 2 की वैल्यू आएगी 53.15 परपेंडिकुलर क्या है, डी ई है, डी ई अपॉन ई एफ, अपॉन ई एफ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी ई कितना है 20 डिवाइड बाय 10, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 3 इज इक्वल टू, थीटा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 63.43, तो थीटा 3 की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं 63.43 डिग्री। इसी प्रकार अपन थीटा 4 भी निकाल सकते हैं, थीटा 4, अब थीटा 4 एक्चुअली ये इंक्लिनेशन यहाँ है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको इससे मिला दिया, तो क्या बन गया, ये राइट एंगल बन गया, ये वाला ये राइट एंगल बन गया, ये ठीक है। इस राइट एंगल में थीटा 4 के लिए क्या आ जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया जी, इसको मैंने नाम दे दिया जी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया जी। अब बी जी अपॉन बी जी, बी जी अपॉन बी जी, अब बी जी कितना है, जब ये 15 है, ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 मीटर हो गया, कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा,
कौन सा फंक्शन है, डी जी टेन इनवर्स डी जी डिवाइड बाय डी जी कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 15, तो बीटा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 18.43, कितना आया 18.43, ये 18.43, तो इसको मैं इसकी वैल्यू में यहां लिख सकता हूं 18.43। तो अपन ने क्या किया, इसके जो अननोन रिएक्शंस थी वो भी कैलकुलेट करी, उसके बाद अपन ने इसका इंक्लाइनेशन क्या था। जनरली आपको इंक्लाइनेशन के लिए ये तो मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें इंक्लाइनेशन अपन फाइंड आउट कर सके, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंक्लाइनेशन अपने आप दे रखा होता है, 60 डिग्री ये मानता है कि सब 60 डिग्री में, तो इंक्लाइनेशन वो दे रखा है, तो उसमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है। लेकिन मैंने ये ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें अगर आपको इंक्लाइनेशन निकालना भी पड़े तो भी अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसकी इस, अब यहाँ इतना सब निकल गया, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इसका इंक्लिनेशन निकल गया, जो रिएक्शन है अपनी, तो रिएक्शन से अपनी आर बी आर एच और आर एफ ये भी निकल गई, और जो फोर्सेस हैं अब अपन लगाते हैं इस पे मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन मेथड ऑफ जॉइंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन मेथड ऑफ मेथड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड अपन लगाते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब देखिए जॉइंट मेथड ऑफ जॉइंट लगाते हैं तो यहां अपने को ये देखने वाली बात है कि इतने सारे जॉइंट्स हैं, अपन किस जॉइंट से स्टार्ट करें, ये भी दिमाग में आता है कि इतने ए जॉइंट हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, अपन कौन से जॉइंट से स्टार्ट करें। तो अपने को वो जॉइंट सेलेक्ट करना है, अपने को वो जॉइंट सेलेक्ट करना है कि जिस जॉइंट में सिर्फ दो मेंबर पास हो गए, अपने को ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें से सिर्फ दो जॉइंट पास हो गया। ऐसा कौन सा है, देखिए ए पे हो रहे हैं दो, इस पे तीन हो रहे हैं, इस पे भी दो हो रहे हैं, इस पे दो हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इस पे तीन हो रहे हैं, एक दो तीन, इस पे भी एक दो, 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे दो जॉइंट हैं, यहाँ पे ऐसे दो जॉइंट हैं जिन पे टू मेंबर पास हो रहे हैं, एक ये एक ये, बाकी देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पे ए और एफ ऐसे जॉइंट हैं जिनमें से दो मेंबर पास हो रहे हैं, तो इन दोनों जॉइंट में अपन कोई भी जॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने जॉइंट ई सेलेक्ट किया है, जॉइंट ए, बस जॉइंट ए। अब जॉइंट ए ये है, जॉइंट ए ये है, ये वाला। अब मैं इसका एफबी ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है, मैंने क्या ड्रॉ किया, इसका थ्री बॉडी डायग्राम और आर एक का थ्री बॉडी डायग्राम अपने को निकालना है। तो एफ बी पे ए कौन कौन सी रिएक्शन लग रही है, एक तो आर बी लग रहा है, आर बी लग रहा है कितना है 1200, तो ये कौन सा लग रहा है, आर एच लग रहा है कितना है 0, ठीक है। ये फोर्स कौन सा लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स ए बी, एफ ए बी, और इसका थीटा कितना है 45 डिग्री, और ये वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, एसी फोर्स, एसी ये लग रहा है, ठीक है ये लग रहा है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम, अब इसको देखिए, अब ये थीटा लग रहा है यहाँ पे, इसका फोर्स रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका फोर्स रिजोल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, ये किस तरफ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एक्स का, हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एफ ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 45, और ये कौन सा हो जाएगा, एफ ए बी साइन 45, साइन 45, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या कहती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो
समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में से अपने अपन पहले इक्वेशन कौन सी अप्लाई करें, इन दोनों में से पहले इक्वेशन ये फाइंड आउट करें, ये करें, हालांकि अपन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वे के लिए अगर मैं मान लो एफ एक्स फाइंड आउट, एफ एक्स लेता हूँ, तो एफ एक्स में मैं रिजुलेशन कैसे करूँगा, जो राइट वर्ड जो फोर्स जा रहे हैं और अपोज जो उसके लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं उन फोर्सेज को देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो ये मेरे पास अनोन है, एफ सी अनोन है, और एक मेरे पास एफ ए बी अनोन है, एफ ए बी अनोन है, ये मेरे पास है। तो कहने का मतलब यहाँ मेरे पास दो फोर्स अनोन है, जबकि मेरे पास इक्वेशन एक बनेगी, इक्वेशन एक बनेगी, और जबकि मेरे पास फोर्स दो अनोन है, तो मैं इससे पहले कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ, एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करूँ, जहां मेरे पास ओनली वन फोर्स अनोन है, कौन सा है, ए बी साइन 45, ए बी साइन 45 एक ही अनोन है, एक आरबी लग रहा है, लेकिन आरबी की वैल्यू मेरे पास है 1200, आरबी की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो में आप देखिए, ठीक है, समेशन ऑफ वाई में ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, आर बी प्लस बराबर जीरो, आर बी प्लस ए बी एफ ए बी साइन थीटा, ठीक है, आर बी की वैल्यू है मेरे पास बराबर जीरो, आर बी की वैल्यू है मेरे पास 1200 प्लस एफ ए बी साइन थीटा है मेरे पास कितना है 45 है, 45 थीटा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एफ ए बी माइनस फोर्स माइनस 97, ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यू आएगी मेरे पास इसकी ए बी, तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या है, एफ ए बी बराबर माइनस 1600, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आई ए बी की, ठीक है। अब अपन ए बी की वैल्यू में अब एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, तो क्या है, आर एच प्लस एफ सी ए, एफ ए सी प्लस कौन सा है, एफ ए बी कॉस 45 है, ये कॉस 45, अब ये कितना है, जीरो है, एफ सी ए अपने को निकालना है, ए बी अपन ने फाइंड आउट किया कितना है, माइनस 16.97 कॉस 45। तो इस इक्वेशन में अब अननोन वेरिएबल कितना रहा, एक रहा एफ सी ए, तो एफ सी ए अपने पास आ जाएगा एफ सी ए या एफ ए सी, कुछ भी लिखो एक ही बार, कुछ भी लिखो एक ही बार, तो एफ सी मेरे पास आ जाएगा 1200 न्यूटन, आप ये कैलकुलेट कर देना, एफ सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1200, ठीक है, एफ सी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आएगी, 1200 न्यूटन आएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एफ सी भी निकाल दिया, एफ सी ए बराबर 1200, ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जॉइंट एफ की, अब इसी हिसाब से अपन जॉइंट एफ की बात करते हैं, जॉइंट एफ, एफ जॉइंट कहाँ है, यहाँ है, इसका एफ बी की डायग्राम बनाओ, ये बनेगा, ये एफ है, ये इस पे आर एफ लग रहा है, आर एफ की वैल्यू 1200, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ई, तो ये एफ ई एफ या एफ ई कर, और ये डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में है, एफ ई एफ एफ बी, और ये थीटा कितना है,
थीटा कितना है 63.43। अब यहाँ पे अपने को फोर्थ जनरेशन करने पड़ेंगे। फोर्थ जनरेशन के लिए क्या करूँगा मैं, कॉम्पोनेंट होगा, ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एफ बी कॉस कॉस 63.43 या सीधे ही कहें तो कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ एफ बी साइन, ये क्या हो जाएगा एफ बी साइन। ठीक है, तो वही अपनी इक्वेशन लगाओ। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी है अपने पास, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है दोनों, ये इक्वेशन है दोनों। अब इन दोनों में से पहले देखना है आपको कि कौन सी इक्वेशन के साथ दो अननोन वेरिएबल मिल रहे हैं, तो उसको छोड़ के दूसरी लगानी है, उस पर अपने एक की वैल्यू मिल जाएगी, वही दूसरी में पुट कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आर एफ है और एफ डी है, वाई में आर एफ है और एफ डी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अननोन कौन सा हुआ, फोर्स एफ डी, फोर्स एफ डी, आर एफ तो है अपने पास। अगर एक्स की बात करें, एक्स की बात करें तो एक्स में देखिए एक एफ ई है अननोन और एक ये कौन सा है एफ एफ डी और एक एफ एफ ई। ठीक है, ये दो अननोन है, तो कहने का मतलब अपन पहले कौन सा अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस आर एफ एफ डी साइन 63.43। तो आर एफ की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी, तो आर एफ की वैल्यू मिलेगी अपने को, सॉरी आर एफ की नहीं, आर एफ की वैल्यू तो है अपने पास 1200, आर एफ की वैल्यू तो है 1200, एफ डी की मिल जाएगी, एफ एफ डी की मिल जाएगी, एफ एफ डी की वैल्यू मिलेगी अपने को -1300, तो एफ डी की वैल्यू अपने पास क्या आई -1347.7 न्यूटन। तो एफ थ्री की वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ एफ डी इज इक्वल टू 47.7। ठीक है, अब अपन क्या लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो एक्स एक्स में राइट टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं वो नेगेटिव आते हैं, टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो ये दोनों ही फोर्स का नेचर कैसा है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, ये और ये, ये और ये, तो दोनों का नेचर ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एफ ई माइनस एफ एफ डी कॉस 63.43। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, एफ एक्स की डायरेक्शन में दोनों टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, तो दोनों का जो जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अननोन है, ये अपन ने निकाल लिया, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये निकल जाएगा, ये इज इक्वल टू जीरो है, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास फाइनल एफ ई एफ ई 6, तो ये वाला निकल जाएगा एफ एफ ई इज इक्वल टू 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो मैंने कौन सा निकाला, एफ एफ ई इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा हो गया जॉइंट एफ, ये मेरा जॉइंट एफ हो गया। ठीक है, ये मेरा जॉइंट एफ हो गया। अब अपन क्या देखते हैं, ठीक है, ये जॉइंट एफ हो गया, अब अपने को ऐसा जॉइंट देखना है जो क्या करे पासेस ओनली टू अननोन मेंबर। ऐसा यहाँ पे ई जॉइंट ऐसा है यहाँ पे जिसमें टू अननोन फोर्सेस पास हो रहे हैं। अब ई में क्या है, टू अननोन पास है, तो अपन सेलेक्ट करते हैं जॉइंट ई, इसका एक एफबीडी बनाइए,
इसका एफ पी टी ऐसे बनेगा, क्या है एक्स है, नीचे क्या लग रहा है 200, इधर क्या है एफ ई एफ, ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है एफ ई डी, इधर क्या लग रहा है एफ ई सी, ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां देखिए, ये जो फोर्स है एफ ई और ई एफ, ये अपन ने कैलकुलेट किया है 600, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब याद कर, ये है, ये अपने पास है, ये है, तो अब यहां से अननोन वेरिएबल कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं, सिर्फ दो ही तो फोर्सेस हैं, बाकी सर देखिए ई मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, इसमें देखो ये मेरे पास है, ये है, अब कितने ऐसे अननोन फोर्सेस बचे, दो ही बचे ना, तो दो विच हैव ओनली टू अननोन मेंबर अननोन फोर्सेस, तो वो वाला अपने को जॉइंट सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने नहीं किया, अब यहाँ पे आप देखिए फोर्स जनरेशन करने की जरूरत है नहीं है, इसमें इंक्लिनेशन मेंबर है ही नहीं, ठीक है, इसमें इंक्लिनेशन मेंबर नहीं है, तो अपने को यहाँ थीटा इधर उधर है नहीं है, तो अपने को भी जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन लगाइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ इज इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको आप रिजोल्व कर दीजिए, तो जीरो इज इक्वल टू एफ ई डी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, अब देखो ये जा रहा है अपवर्ड तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जा रहा है डाउनवर्ड तो हो जाएगा नेगेटिव, तो एफ ई डी की वैल्यू क्या आई 200 न्यूटन, तो एफ ई डी FED = 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन आ गया ये। अब f of x करेंगे, summation of f of x is equal to zero, अब x direction में कहाँ है, एक ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो towards right है, वो क्या हो जाएगा f ef plus आ गया, ये minus का है towards left जा रहा है f bc, ठीक है, अब देखिए ये ई एफ है, एफ ऑफ ई एफ या एफ ई ए की बात है, एफ ऑफ ई एफ या एफ ऑफ एफ ई ए की बात है, तो यहाँ पे ई एफ है अपने पास 600 माइनस एफ ई सी, तो एफ ई सी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 600, क्या हो गया 600 न्यूटन, तो यहाँ मैंने क्या कैलकुलेट किया F E C is equal to 600 न्यूटन, ठीक है, इससे पहले मैंने किया था ये। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ऐसा अब उसके बाद आप कोई भी जॉइंट सेलेक्ट कर लो, इसके बाद आप कोई भी जॉइंट सेलेक्ट कर लो, मैं सेलेक्ट करता हूँ जॉइंट C, जॉइंट C को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और एक इधर जा रहा है एफ सी ए, इससे इधर जा रहा है एफ सी ए, ठीक है, इधर सी ए होगा, ये जा रहा है, इधर जा रहा है आपको एफ सी, ठीक है, ये इसका मैंने एफ पी टी बनाया, ये मैंने इसका एफ पी टी बनाया, और ये थीटा कितना है 1.53 थीटा है, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे थीटा 2 है, 53.15, ठीक है, इसको फोर्स डेरिवेशन करते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा एफ सी बी कॉस 53.5, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ सी डी
साइन 53.15। ठीक है, फोर्स रिलेशन कर दिया। अब सीधी इक्वेशन लगाओ आप, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन लगाएंगे। यदि इक्वेशन लगाएंगे अपन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो समेशन ऑफ एफ एक्स लगाओ इज इक्वल टू जीरो, जीरो बराबर एफ एक्स। इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? एक आ रहा है ये एफ ई सी, एक आ रहा है ये प्लस एफ सी डी कॉस 53.15। ठीक है, और कौन सा आ रहा है, और कौन सा आ रहा है ये प्लस माइनस एफ सी ए। ठीक है, माइनस एफ सी ए वैल्यू है अपने पास एफ ई सी, एफ ई सी की वैल्यू क्या है अपने पास 600 है, तो इसकी वैल्यू है 600 प्लस एफ सी ए, एफ सी ए तो ले निकाला था अपने 1200 प्लस एफ सी डी कॉस 53.15 माइनस 1200, तो एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली अमाउंट वेरिएबल इज, इसमें अमाउंट वेरिएबल क्या है सिर्फ एफ डी है, सिर्फ एफ डी कॉस 45 है, वो 1200 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एफ ऑफ सी डी की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन। क्या आ जाएगी 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ठीक है, 1000 न्यूटन। अब इसी प्रकार अपन इसकी देखें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या देखें, एक ये है एक ये है, दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं एफ सी डी और एफ सी पॉइंट पे एक फोर्स और भी है 400, देखिए ये यहाँ लग रहा है 400, ये जो सी पे ये एक और फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड 400, तो क्या हो जाएगा ये डाउनवर्ड है माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बाकी अपवर्ड है दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, एफ सी डी प्लस एफ सी डी साइन 53.15। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, एफ सी डी निकल जाएगा, तो एफ सी डी कैसे निकलेगा, एफ सी डी ये वैल्यू है, ये वैल्यू सी डी के अपन ने फाइंड आउट करी है, साइन 43.15 प्लस कैलकुलेट करना है, तो एफ सी डी निकल जाएगा माइनस माइनस 400, तो एफ सी डी में से कितना कैलकुलेट किया एफ सी डी, इससे पहले मैंने किया था एफ सी डी, तो एफ सी डी मैंने कितना किया 1000 न्यूटन, एफ सी डी कितना किया माइनस 4। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं, इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपन रिएक्शंस और इतने जॉइंट्स के जो भी फॉर्मूले निकालते हैं, इस प्रकार अपन किसी भी जॉइंट्स के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, देखो आर निकाला, आर निकाला, आर निकाला, उसके बाद उसका इंक्लिनेशन निकाला, उसके बाद अपन ने जॉइंट कौन कौन से लेने हैं वो डिसाइड किया और ये वाले फोर्सेज निकाले। सिमिलरली जो बाकी बचते हैं ये इनका अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगले में मतलब लेक्चर अब दूसरा होगा उसमें अपन देखते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो पढ़ने में थोड़ा ये मतलब लगता है बोरिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैंने मेथड ऑफ जॉइंट बताया है, मेथड ऑफ जॉइंट में आपने देखा अपन ने मूवमेंट कैलकुलेशन किए, तो मूवमेंट कैलकुलेशन इसमें करते ही नहीं है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स ही देखते हैं, इसमें ओनली फोर्स का देखते हैं, तो मूवमेंट कंसिडर नहीं करते हैं किस केस में, जॉइंट के केस में। अब अपन देखते हैं आगे मूवमेंट मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है,